सोशल मीडिया देखती हैं। और फातिमा जी आप कुछ पूछना चाह रही थी। जावेद साहब आपकी मूवीज देख के बड़े हुए हैं और जितनी अभी मैंने रिसर्च की है उससे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि बड़ी ही कलरफुल पर्सनालिटी आपकी, वेरी लवेबल पर्सनालिटी, और आपने टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि किसी ने आपका दिल मोल लिया हो, दिल को बहुत अच्छी लगी हो? ऑफ कोर्स, ये तो बहुत अच्छी है। कोई एक देखो चक्कर ये है, सबकी बातें होती हैं लाइफ में ऐसी। अब मेरा जो है, मेरी दो शादियां ठीक है, जिसमें से पहली वाइफ से मेरे दो बच्चे हैं, जी जी माशाल्लाह, मोमल और ये जी, और जी, जी मेरी सलमा आगा से थी और वो दोनों मेरी खत्म हो गई। बीच में मेरे अफेयर थे ठीक है, वो भी सबके होते हैं, वो भी दुनिया को पता है। खुली किताब कोई यानी कि ये नहीं कहते अच्छा वो जो ऐसा था exactly. तो वो आप बताएं तो वो क्या था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं भाई। वाह वाह, देखिए जब मेरी सलमा आगा से डिवोर्स हुई तो आई वॉज शैटर्ड, शैटर्ड रियली। वो वक्त था कि जब पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक मायानाज अदाकारा जिसका नाम नीली था, नीली, और मैंने उसके साथ इसके बाद जब पहली फिल्म की तो उसने मुझे सहारा दिया। आपको भी सहारे की जरूरत थी? यस ओके, यही कह रहा हूँ कि जब उसने देखा कि 10-15 दिन हो गए कि बंदा शॉर्ट देता है, उधर जाके कोने में बैठ जाता है, क्या चक्कर है? तो उसने एक मेकअप वाला था, उसका जहूर उसका नाम था। जी जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ, आप जी जान। तो जहूर को भेजा मेरे पास नीली ने कि जाके पूछा हो यार ये अपना क्या हाल कर लिया है, तो कम से कम इधर हमारे साथ आके बैठे, हमारे साथ शूटिंग के बाद चाय पीने चलते हैं या कुछ खाना खा लेते हैं कुछ ऐसे, बट ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। तो दे स्टार्टेड टेकिंग मी आउट, यू नो। ओके, एंड आई थिंक ये आपकी जिंदगी का वो वाहिद फेज था जिसमें आपने बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी देखा और गए भी डिप्रेशन में, एंड यू वर कंप्लीटली। बट दूसरा ये है कि मैंने आज तक किसी लड़की को खुद अप्रोच नहीं किया। ओह वाह वाह वाह, कोई कबूतर था सर आप? हैं कबूतर। एक छोटी सी बात है शेख साहब, एक गेस्ट हमारे शो पे आई थी तो अपना वो कैरियर का बता रही थी, तो उन्होंने बताया व्हेन शी स्टार्टेड ना, तो उन्होंने आपके साथ एक ड्रामा किया था, उन्होंने मुझे बताया। एक ड्रामा किया? हाँ जी। अच्छा फिर तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा एक ड्रामा किया था। शी शेयर्ड के वो इतने हम्बल हैं जावेद साहब के, उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरा स्टार्ट था और स्क्रीन पे वो एक्ट कर नहीं पा रही थी, तो शी टेक्स उस टाइम पे 40 टेक्स उन्होंने लिए और जावेद साहब जाके बैठ गए आराम से, उन्होंने कहा जब ये रेडी हो जाएंगी तो फिर मुझे बुला लीजिएगा आप। सवाल ही सवाल ही नहीं पैदा होता, ये काम ही छोड़ दूंगा अगर ये सच हो तो। सर हुआ क्या था? सर कुछ भी नहीं हुआ, फिर रेडी नहीं किया, फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है और क्या। मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ यार कि मैं कहूँ एक किसी से काम नहीं हो रहा। मेरा जूनियर है, एज ए सीनियर मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? हाँ सही बात सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई जूनियर भूलता है इस तरह, हम उसको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं लेकिन उसको लेट डाउन नहीं कर सकते। चाहे हाँ नोमान, मुझे तो वो लोग बुरे लगते हैं जब सेट पे जब किसी को डायलॉग फंबल हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे नोमान ने कुछ बोला फंबल हो गया, मिसाल के तौर या मैंने बोला फंबल हो गया, आप दो बैठे नजर पड़ती है तो क्या मुलाफकत लानत है ऐसे लोगों पे, बेशुमार है। यूसी तो ये कभी हमने तो कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हम अपने जूनियर के साथ करें। शेख साहब के साथ खूबसूरत और प्यारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, इनकी यादों के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे। एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत सारी तालियां शेख साहब के लिए जी। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद जी सरकार में आप सब लोगों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया हफ्ता 10 दिन पहले वो आया कि अगर पाकिस्तान के दिलीप कुमार साहब से, अल्लाह बख्शे दिलीप कुमार साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनसे तशबीह दी गई आपको कि पाकिस्तान में अगर कोई दिलीप कुमार के लेवल का आर्टिस्ट है
तो वो जावेद शेख साहब हैं. Have you read that? Wow. 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 नहीं? नहीं. Times of India में ये चीज आई है. बड़ी बात है. हमारे लिए अच्छी बात. हमारे लिए बात है. कभी दिलीप साहब से सर आपका क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा आना जाना रहा है एंड यू हैव वर्कड इन क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स इन इंडिया कभी दिलीप साहब से मुलाकात हुई सर? सर तीन मुलाकात. अरे अल्लाह अकबर. अब आपको मैं तीनों वाक्य सुनाता हूँ. आई वुड लव के इफ यू शेयर विद अस. 1981 ठीक है सर. उस वक्त मैंने एक फिल्म की थी दीप्ति नवल के साथ. उसका नाम था दूसरा किनारा. डायरेक्टेड बाय गजनफर अली. मैं जी 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 दीप्ति नवल बिल्कुल शफी मोहम्मद जी जी बैरोज सब्जवारी जी जी ठीक है. फिल्म वाज शॉट इन शारजा. तो वो उसका एक प्रमोशन के लिए बॉम्बे जाना पड़ा. तो वहां दीप्ति ने कहा कि भाई एक फंक्शन हो रहा है शक्ति सामंत है उनके हवाले से तो वो आप चले मेरे साथ. तो मैं उनके साथ सन एंड सैंड होटल में गया. तो एक तस्वीर आज मेरे फोन पे भी है इधर भी है. तो वो तस्वीर में दिलीप कुमार साहब साथ में सायरा बानो साथ में दीप्ति नवल साथ में शक्ति सामंत और दिलीप साहब. दिलीप साहब का हाथ मेरे हाथ में और वो मेरी तरफ देख रहे मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ. ठीक है. माई फर्स्ट मीटिंग विद दिलीप साहब ये लो जब मैं स्टार भी नहीं था. दूसरा वाक्या था 1987 का जब मैं फिल्म कर रहा था सलमा आगा के साथ और फिल्म का नाम था हम और तुम. लंदन में शूट थी. हसन अस्करी साहब डायरेक्टर थे और एक दिन सलमा आगा की वालदा ने कहा कि हमारे घर में दावत है तो लिहाजा आप और जो डायरेक्टर है सर आप हमारे घर में शाम को आइए. हमने कहा ठीक है मगर कौन आ रहा है? बोला नहीं बताने वाली बात है. हमने फिर भी कुछ पता लगे ना जैसा मेहमान होगा वैसे कपड़े पहन के आएंगे. तो वो उन्होंने बता ही दिया कि भाई दिलीप कुमार साहब आ रहे. अब हमारी तो रातों की नींद उड़ गई कि दिलीप साहब को ऐसे आमने सामने देखेंगे. यू सी. और ये शुरुआत थी जब मैं फिल्म 83 हम चले गए उनके घर पे और वहाँ पे ऐसे सोफे पे दिलीप साहब बैठे थे सायरा बानो और उनकी वालदा बैठी थी. और उनकी वालदा वो इंट्रोड्यूस करवा रही थी ये वो हैं ये वो हैं ये वो हैं. अब मेरे आगे हसन अस्करी साहब थे और जब उनकी बारी आई उनका जी ये जो मेरी बेटी फिल्म कर रही है उसके डायरेक्टर हैं हसन अस्करी साहब. अब हसन अस्करी साहब हटे हैं तो मैं सामने खड़ा हो गया. अस्सलाम वालेकुम. मैंने ऐसे हाथ पकड़ कर मेरे तो हाथ कांप रहे थे दिलीप साहब को देख के. अल्लाह वो अब दिलीप साहब ने मुझे देखा तो उसको खड़े हुए तो कहने लगा मुझे गले लगाया. कहने लगा यार मैं तो इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ. आई स्वर मैं तो कांपने लग गया और मैंने कहा दिलीप कुमार साहब से गलती हो गई है. मैं तो नया लड़का हूँ ये इनको चक्कर में मैं चलो गले तो लग रहा हूँ ना. आई स्वर तो इश्तियाक था उनकी वालदा को बताएं कि कौन है. व्हाट एन एक्साइटमेंट. तो वो उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे जानते हैं जावेद को. सायरा बानो ने कहा कि लो भाई हमने इनका ही मंगवाया और हमने डिसाइड किया कि मैं और यूसुफ एक एपिसोड रोज देखेंगे. ठीक है. मगर अनकही हमने एक शाम को लगाया और सुबह उठे हैं 13 की 13 एपिसोड देख के. अल्लाह वाह 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 भाई वाह वाह.